हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है, यानी कि जो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, वो क्या किया था, चैप्टर 7 किया था क्लास 10th का, जो कि पॉलिटिकल साइंस का था, जिसमें हमने जो चैप्टर 7 है, जो हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बारे में हमने समझा था। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किया था, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी, इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। हमने ये चार टॉपिक्स ऑलरेडी किया है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो मेनली दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा यानी कि एकोमोडेशंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, और दूसरा है हमारा डिग्निटी एंड फेडर्निटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, एकोमोडेशंस ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में, यानी कि सामाजिक विभिन्नता का आवाज जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, तो उसमें जो डिफरेंस जो कम्युनिटीज के जो पीपल्स हैं उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है, उसको कम्प्लीटली परमानेंटली सॉल्व कर पाना क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यदि हम ऐसा कुछ सीख लेते हैं जिसके क्या है कि हम इन दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उसको हम क्या कर सके, एक बातचीत के जरिए क्या करते अगर हम रिजॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, हमें अपने सिस्टम में क्या है, एक डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जब हम अपने सिस्टम में यदि बातचीत करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म अगर डेवलप करते हैं, तो उसके थ्रू क्या है कि हमारे सोसाइटी के बीच में जो अलग अलग जो कम्युनिटीज ग्रुप में जो कन्फ्लिक्ट होती है, उसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, तो रोक सकते हैं। तो इसके लिए जो है जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें एबिलिटी टू हैंडल अ सोशल डिफरेंसेस, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर हमें ये एबिलिटी देखने को मिलती है कि वो किसी भी सोशल जो सोसाइटी के अंदर जो कन्फ्लिक्ट होते हैं अदर डिफरेंसेस ग्रुप के बीच में, तो उसको इजिली टैकल या परमानेंटली उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो सरकारें चुन करके आती है, वो पीपल्स के द्वारा ही चुन के आती है। यानी कि जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स जो ग्रुप्स है, उन सब ने वोट दिया होगा, इन सबको वोट्स का राइट्स मिलता है। तो इसी के थ्रू क्या है कि हम डेमोक्रेसी के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो हमारे सोसाइटी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। यदि डेमोक्रेसी अपने दो कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो हम ऐसा परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। अब वो दोनों जो हमारे कंडीशंस हैं वो क्या क्या है, तो पहला कंडीशन हमें ये देखने को मिलता है, यदि मेजोरिटी माइनॉरिटी के साथ मिलकर के काम करे जिसकी आवश्यकता होती है, तो उसके तहत क्या है, गवर्नमेंट एक रिप्रेजेंटेटिव जनरल व्यू के जनरल व्यू में क्या कर सकता है, तो काम कर सकता है। और दूसरी अगर हम कंडीशंस की बात करें, रूल बाय मेजोरिटी मीन्स, यदि जो मेजोरिटी का जो शासन है उसका मतलब होता है कि वो किसी भी मामले में, चाहे चुनाव के मामले में बात हो या अलग अलग व्यक्ति और समूह जो क्या करते हैं, ग्रुप बना करके अपने काम करते हैं, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट है अलग अलग डिफरेंसेस ग्रुप्स में, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, परमानेंटली रिजॉल्व कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारे डिग्निटी एंड फेडर्निटी। यानी कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, तो डेमोक्रेसी के अंदर जो भी सरकार आती है वो किसको प्रमोट करने का काम करती है, यानी कि डेमोक्रेसी में जो प्रमोट किया जाता है, किसको किया जाता है, हर एक पर्सन के डिग्निटी को और उसके फ्रीडम को प्रमोट किया जाता है, कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है जैसे कि हमारा मोनार्ची सिस्टम हो गया, या हमारा जो मतलब जहाँ पे जैसे मोनार्ची सिस्टम हो गया उस टाइप में गवर्नमेंट, यहाँ पे जहाँ पे हमें सिंगल पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, उसके कंपेयर में क्या है, एक डेमोक्रेसी में क्या है, एक पीपल्स की जो डिग्निटी है और फ्रीडम है उसको ज्यादा प्रमोट किया जाता है कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट। उसके बाद द पैशंस फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि अगर हम लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र का जो आधार है यानी कि जो बेस है वो क्या है, एक पर्सन की डिग्निटी और फ्रीडम है। यानी कि हर एक पर्सन की जो यानी कि जो लोकतंत्र स्थापित होता है, जिस आधार पे, किस आधार पर स्थापित होता है, तो हर एक पर्सन की डिग्निटी और उसके स्वतंत्रता पर आधारित होता है। अगर हम ह्यूमन की डिग्निटी की बात करें, तो हमारे पार्लियामेंट में ऐसे बहुत से लॉज हैं जो कि क्या है, ह्यूमन को एम्पावर करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पार्लियामेंट हो गई, पार्लियामेंट में क्या है, लेडीज के लिए क्या है, 33% क्या है, सीट रिजर्व कर दी गई है।
वहीं पे अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट ने 1/3 सीट्स किसके लिए फिक्स कर दी गई है, तो सिर्फ ह्यूमन के लिए ही फिक्स कर दी गई है। इसका मेन कारण ये है क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हर एक पर्सन की किसकी डिग्निटी और फ्रीडम्स की बात की जाती है, और उसमें डेवलपमेंट के लिए उनके लाइफ्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वहां पे फिर क्या किया जाता है, तो काम न्यू पॉलिसीज बनाए जाते हैं। यानी कि अगर हम अगर बात करें कि महिलाओं के लिए जो अगर ये जो स्टेप्स उठाए गए, जैसे लोकल गवर्नमेंट में 1/3 सीट्स रिजर्व कर देना, पार्लियामेंट में 33% सिर्फ वुमेन्स के लिए रिजर्व करना, इसका मतलब था कि यानी कि जो वुमेन्स के अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, जो हमें डिसएडवांटेजेस देखने को मिलता है, उन सबको क्या किया जा सके, अपनी सोसाइटी से कम किया जा सके, घटा दिया जा सके, और सबको एक इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज का अधिकार दिया जाए। यानी कि अगर हम बात करें हमारा जो डेमोक्रेसी है तो किसके बेस पे काम करता है, किसके नींव पे टिका रहता है, तो डिग्निटी और फ्रीडम के बेस पे टिका रहता है। अगर मोस्ट इंडिविजुअल्स टुडे बिलीव दैट द वोटर मेक अ डिफरेंस टू अ वे ऑफ गवर्नमेंट इज द रन ऑफ अदर सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि बहुत से ऐसे लोगों का मानना है कि उनके वोट के अनुसार उनके जो गवर्नमेंट है उनका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो क्या है, अलग रहता है। अगर हम डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन करें तो क्या है, हमें नेवर गेट्स ओवर, वो कभी ना खत्म होने वाला एक ऐसा एग्जाम से दिखता है कि जो डेमोक्रेसी, यानी कि अगर हम बात करें जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसा एग्जामिनेशन से, यानी कि एक ऐसा एग्जाम है जो कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसे ही एक एग्जाम खत्म होता है तो दूसरा एग्जाम डेमोक्रेसी में क्या होता है, तो उसके बाद ही स्टार्ट हो जाता है। एज अ पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि अगर हम लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र के अंदर क्या है, बहुत से पीपल्स को क्या है, बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि सरकार, एक तो उन्हें मौलिक अधिकार मिल जाते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो क्या करती है, पब्लिक के इंटरेस्ट में रह के करती है, और इसीलिए पब्लिक क्या करते हैं, डेमोक्रेसी में अपने गवर्नमेंट से डिमांड और ज्यादा करते हैं कि उनकी मांगे और ज्यादा, और गवर्नमेंट उनकी मांगों को पूरा करे। और डेमोक्रेसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो पब्लिक के पास ये अधिकार आ जाते हैं कि वो अपने गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज कर सके। जैसे जैसे पब्लिक का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में जब ज्यादा बढ़ने लगता है पॉलिटिकल एरिया सेक्टर में, तो वैसे वैसे डेमोक्रेसी क्या है और ज्यादा सक्सेस होती जाती है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। तो अगर जब पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन जैसे जैसे बढ़ते जाता है, लोग अपनी सरकार की क्रिटिसाइज करने लगते हैं, अपोजिशन जब अपने इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करते, तो इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का किस जगह पे फेलियर है और किस जगह पे ढंग से काम कर रही है। तो यानी कि जैसे जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता जाता है पॉलिटिक्स में, तो वैसे वैसे क्या होता है, लोकतंत्र हमारा मजबूत होता जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने आज 2 पॉइंट्स डिस्कस किया। पहला पॉइंट था हमारा, जिसमें हमने क्या बात, जो पहला पॉइंट था हमारा वो क्या था हमारा, वो था हमारा एकोमोडेशंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, और दूसरा पॉइंट था हमारा डिग्निटी एंड हमारा था फ्रीडम। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने आज डिस्कस